हाय एवरीवन, मेरा नाम सोनी मल है। मेरा चयन उत्तर प्रदेश पीसीएस 2018 में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पोस्ट पर हुआ है थ्रू दिल्ली नॉलेज ट्रैक चैनल। मैं आपके साथ अपनी लाइफ, अपना स्ट्रगल, ये सर्विसेज ही क्यों चाहिए था और आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन, क्या नहीं, एंड व्हाट आर द मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या थे कि जो ये सर्विसेज चाहिए था। सो मैं आपको इस चैनल के थ्रू कुछ अपने बारे में शेयर करना चाहूँगी सो दैट आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहे। और ये जो ड्यूरेशन, क्योंकि इसमें नहीं पता रहता आपको इस जर्नी में कितना टाइम लगेगा, कब आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको कैसे अपने आप को कीप हमेशा मोटिवेट रखना है। सो वी विल डिस्कस थ्रू दिस चैनल। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल से किया है क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, तो थ्रू आउट इंडिया हमने मूव करके ही पढ़ाई की है और वो मेरी स्कूलिंग ही थी जिसकी वजह से मुझे अडॉप्टेबिलिटी एडजस्टमेंट हमने वहाँ से सीखा था। फिर मैंने 10th और 12th अपना आर्मी स्कूल गोरखपुर से किया। फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने मास्टर्स भी किया उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। फिर मैं IIT BHU गई एज अ रिसर्च स्कॉलर वहाँ पे। देन आई केम टू रियलाइज़ कि मुझे सर्विसेज में जाना चाहिए क्योंकि मैं इतना मेहनत करती हूँ, इतना ज़्यादा अगर आप कंसिस्टेंट हो थ्रू आउट योर लाइफ तो आप अपना डेडिकेशन सर्विसेज में अगर दोगे तो आप सबके लिए, सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिट रहता है। यू कैन कनेक्ट, आप पीपल से डायरेक्टली कर सकते हो और बहुत सारे लोगों के लिए भी आप एक मोटिवेशनल फैक्टर हो जाते हैं, स्पेशली फॉर वुमेन्स। तो इसलिए मुझे लगा कि सर्विसेज मेरे लिए ज़्यादा सही है। फिर आई वेंट टू दिल्ली, फिर मैंने दिल्ली से ही प्रिपरेशन की क्योंकि मेरा ये बैकग्राउंड नहीं था, तो इसलिए मुझे कोचिंग करनी पड़ी GS के लिए। फिर मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था। फिर उसमें भी मैंने इग्नूम से मास्टर्स कर लिया सो दैट कि मेरे पास एक बैकअप रहे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था मेरा सिलेक्शन कितने टाइम में यहाँ पर होगा। फिर मैंने इस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मेरा सिलेक्शन विद इन 2 years ही हो गया था बिकॉज मैंने बहुत एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी और हार्डवर्क के साथ किया कि मैं जब यहाँ पे पहली बार आई तो मैंने एक पूरा NCERT को अपना एक बेस बना लिया था कि एक बार ओल्ड NCERT न्यू NCERT हम गो थ्रू हो गए थे, क्योंकि आप तभी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे जब आपका एक बेस तैयार रहेगा। और कोचिंग आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, नो डाउट मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा। तो मुझे ये पता चला था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक प्रॉपर डायरेक्शन तो वो मेरे को मिल गया था कोचिंग से। फिर हमने सारी टेक्स्ट बुक्स जो एवरीवन यूज टू स्टडी लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न के लिए रमेश सिंह, महेश बनवाल फॉर ज्योग्राफी, एवरीथिंग आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट बुक्स। और फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया तो UPPCS 2018 के लिए मेरी स्ट्रैटेजी सिर्फ यही थी कि हमने क्वेश्चन पेपर देखा और एनालाइज़ किया कि इट्स ऑल अबाउट कि हाँ आपको कंसेप्ट्स, फैक्ट्स सब कुछ चाहिए, तो आपने पूरी बेसिक आपका एक तैयार था। तो ये है कि आपका जब बेसिक तैयार है तो आप जो पेपर में आता है वो एनालाइज़ करो, तो इट्स ऑल अबाउट कि फैक्ट्स भी है। तो फैक्ट्स के लिए हमने घटना चक्र, लूसेंस सब कुछ गो थ्रू किए क्योंकि 1 month यू हैव टू रिवाइज, आपको रिवाइज कॉन्स्टेंट करना ही करना है क्योंकि वहाँ पे आपको टिक करना रहता है। और प्रीलिम्स इट्स यू हैव टू क्वालिफाई क्योंकि अगर आपको मेंस लिखना है, ये एग्ज़ाम ही 1 year का है और 1-3 कॉन्स्टेंट आपके स्टेजेस है, आपको सब कुछ क्लियर करना है। तो प्रीलिम्स तो आपका ऐसे क्लियर हो गया था मेरा भी, एंड मेरे फ्रेंड्स यूज टू सपोर्ट मी अलॉट, मेरी फैमिली, मेरा भाई, मम्मी पापा, एवरीवन की लाइक हाँ तुम्हारा तो ज़रूर होगा क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो और एक सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। मेरे फ्रेंड धीरेन, मेरी रूममेट निशा, राहुल, मेरे एवरीवन एवरीवन हैज सपोर्टेड मी। फिर मेंस की स्ट्रैटेजी तो यही थी कि हाँ आप सिलेबस देखो, पूरे 4 आपके पेपर्स हैं,
आपको 4 पेपर्स प्रिपेयर करना है, आप थ्रू आउट जो 2 साल आपने प्रिपरेशन की है, लाइक मैं न्यूज़पेपर अगर द हिंदू पढ़ती थी तो मेरा ये था कि अच्छा ये जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो पेपर 1 से कनेक्ट होते हैं, पेपर 2 से, पेपर 3 से, पेपर 4 से, हमेशा लिंक करना आना चाहिए। तो अगर पेपर 1 का आपका जो जीएस का सिलेबस है सपोज़ कि उसमें मॉडर्न आपकी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो यू शुड नो कि अच्छा ये रेलिवेंस है, आजकल ये चल रहा है तो इससे आपको ये लिखना है। तो मेरा भी बिल्कुल ऐसे फिक्स था कि अच्छा कि सपोज़ कि क्वेश्चन आएगा सुनामी पे, साइक्लोन पे, तो जो अभी अगर न्यूज़ में है तो व्हाट इज़ दिस, ये कैसे होता है, क्यों होता है, गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं, तो मेरे भी बिल्कुल फिक्स थे। मी एंड माई फ्रेंड्स हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे तो ये पता था अच्छा ये टॉपिक है तो हमें ऐसे इस पर ऐसे लिखना है। तो क्योंकि एग्ज़ाम ही लिखने का है, आपको लिखना तो पड़ेगा ही, तो मैं डेली लिखती थी 3-4 घंटे डेली कि हाँ लिखना है। फिर उसके बाद हमने प्रिपरेशन सारे पेपर्स की ऐसे की, फिर एसे था, हिंदी था, जो सिलेबस में एक एक टॉपिक को हमने प्रिपेयर किया कि एक टॉपिक है उस पर हर पे कि ये क्या होता है, इससे क्या होगा, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, गवर्नमेंट के क्या अप्रोचेस हैं। तो सेम मेरे भी बिल्कुल यही अप्रोच था और पूरा सिलेबस शुड बी ऑन माय टिप्स, ये मेरा टारगेट था। और वहाँ पे मुझे 3 आवर्स कॉन्स्टेंटली आपको 20 क्वेश्चंस अटैम्प करने हैं। पहला टारगेट यही था कि मुझे क्वेश्चंस एक भी मेरे छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन छोटा, यू सोचो कि आपके 12 मार्क्स 8 नंबर, तो वहीं से आप अगर चारों पेपर में छूट जाए तो आप ऑटोमेटिकली 48-60 मार्क्स से पीछे हो जाओगे। तो पहला ये टारगेट रहता है कि आपका पेपर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, एंड उस पेपर को कंप्लीट होने के लिए आपको पूरा जो है पढ़ना ही है। तो सिलेबस तो मेरा तो बिल्कुल, हाँ अब स्टैटिक पार्ट अगर सपोज उसमें कुछ सिलेबस में है तो उसको करंट से लिंक करके, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ मेंशन, आपका पेपर 3 में मेंशन है, तो उसमें अभी इसरो के मंगलयान से लेके गगनयान, मिशन शक्ति, तो उसके क्या अचीवमेंट्स थे, क्या रोल्स था वुमेन का सोसाइटी के लिए, वो कैसे इंपॉर्टेंट होगा, फिर गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी, इंटरनेशनली क्या इंपॉर्टेंस होगा। तो एक मतलब एक डाइवर्स पैरामीटर था कि हाँ ये आंसर्स ऐसे होंगे वैसे होंगे। फिर हम लोग ऐसे डिस्कस भी करते थे बिकॉज यू नीड अ हेल्दी डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स, आपको एक ग्रुप भी चाहिए, एंड विद गॉड ग्रेस एंड मैं लकी ही हूँ कि मेरे पास इतने अच्छे फ्रेंड्स थे कि हम लोग हमेशा डिस्कस करते थे अच्छा मेरे आंसर्स ऐसे होंगे वैसे होंगे। फिर ऑप्शनल के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन मेरा ऑप्शनल था, बट हमने ये एग्ज़ाम डिफेंस स्टडी से क्वालिफाई किया था क्योंकि सेम मैच करता था और यूपी में इसमें अच्छे स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि नो डाउट इट्स ऑल अबाउट मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स ही सब कुछ है। 1500 मार्क्स आपके रैंक डिसाइड करता है, आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, तो आपका अप्रोच भी ऐसा होना चाहिए कि आपका क्या कैसे लिखना है, आपका ऑप्शनल क्या होना चाहिए। तो मेरी भी यही स्ट्रैटेजी थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना था और मार्क्स फेच करने हैं, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की। अगर पेपर 4 का लिंक नहीं है पेपर 3 से तो हाँ उसको हमने पर्टिकुलरली प्रिपेयर किया, सुब्बा राव से, लेक्सिकन से, हर जगह से हमने नोट्स बनाए कि व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ एथिक्स, व्हाट इज़ मोरालिटी, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, सब कुछ की हाँ मुझे पता रहे एक सिविल सर्वेंट के क्या अप्रोचेज होते हैं। तो हमने भी प्रॉपरली ऐसे किया और मतलब थ्रू आउट जितना मुझे मेंस के टाइम में टाइम मिला था उस ड्यूरेशन में हम कंटिन्यूसली अगर टाइमिंग है एग्ज़ाम की सुबह 9 से 12, 2 से 5, तो मैं कांस्टेंट उस टाइम तक हाँ कि मुझे लिखना रहता था डेली, सो दैट मेरी स्पीड मेंटेन रहे और वो जो पॉइंट्स आते हैं वो आपके माइंड में आए। और आप इतना जब पढ़ाई कर लेते हो आपको एसे भी लिखना रहता है, तो एसे आई थिंक कि इट्स ऑल अबाउट एमेलिगेशन ऑफ जितना आपने पढ़ाई किया है, बस उसको आप एक प्रॉपर वे में वहाँ पे कैसे आप एग्जीक्यूट करते हो ये इम्पोर्टेंट रहता है। और मेरा तो शौर था हम ऐसे में ये लिखेंगे वो लिखेंगे, और फिर हम डिफरेंट बहुत सारे चैनल्स ऐसे मतलब सोर्सेज मेरे रहते थे, सपोज़ कि हम राज्यसभा टीवी देखते थे, उसमें बिग पिक्चर, विशेष, न्यूज़, स्टडी IQ, ओनली IAS, मतलब मेरे डिफरेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, क्योंकि यूपी के लिए स्पेशली इट इज़ वर्थ आई थिंक। तो मेरा अप्रोच यही था कि बस हम कॉन्स्टेंटली कि अच्छा सबके पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेते थे, उसको नोट डाउन एक जगह कर लेते थे, सारे कोटेशंस को एक जगह लिख लेते थे कि अगर एग्रीकल्चर पे रहेगा आई एम गोइंग टू राइट दिस, अगर वुमेंस पे है तो ये लिखना है। तो मेरा मतलब बिल्कुल ऐसे फिक्स था। और जब मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ तो इट्स ऑल अबाउट इंटरव्यू, आप सोचो कि इतना ब्रॉड सिलेबस है और इतना रेलिवेंट भी है इस सिलेबस,
तो आपका इंटरव्यू तो थ्रू आउट ये जो प्रिपरेशन थी उसी के टाइम हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका नॉलेज और वहाँ पे सब कुछ ये टेस्ट होता है। तो जो आप थ्रू वहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, फिर वहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करना रहता है, आपको खुद कम्युनिकेट वो करना आना चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए भी ऐसा नहीं है कि अकेले आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, नहीं, आपको हेल्प तो चाहिए ही चाहिए। लाइक मेरी फ्रेंड शोआना, वो मुझे डेली टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम आपने टेक्निकल नहीं पढ़ा था तो भूल गई थी, तो वो हमको कांस्टेंट मॉनिटर करती थी, सारे सिलेबस को कवर कराया। फिर मेरे एमटेक के मेरे प्रोजेक्ट, मेरे रिसर्च, सब मेरे फ्रेंड सौरभ सर ने, शोआना ने, धीरेन्द्र यूज़ टू आस्क मी डेली क्वेश्चंस 1 आवर फॉर डिस्कशन। अच्छा, मेरे आंसर्स ये होने चाहिए, मेरे आंसर्स ये नहीं होने चाहिए। फिर कार्तिके ने, मतलब वो हमसे 2 आवर्स बिफोर माई इंटरव्यू वन डे कि अगर मैं कुछ आंसर्स बताती थी, बोले नहीं ये तुम्हारा आंसर नहीं होना चाहिए, और आंसर शुड बी लाइक दिस, एक मतलब एटिकेट्स जो आंसर के होते हैं, आपको वहाँ पे कैसे कम्युनिकेट करना है, मुझे कैसे बताना है, तो सब कुछ। वो 1 मंथ का टाइम मुझे मिल गया था इंटरव्यू के लिए, तो हमने कॉन्स्टेंट प्रिपेयर किया यूपी में क्या चल रहा है उस टाइम, लाइक इंडिया चाइना इशू था, इंडिया नेपाल था, कोविड था, बीइंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड गोरखपुर, दैट्स अ सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो हमें पूरा प्रिपेयर करना था गोरखपुर का, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, एवरीथिंग, उसके रेलिवेंस क्या है, करेंटली क्या इशूज़ चल रहे हैं। तो हमने थ्रू आउट प्रिपरेशन की with my friends and that's why I'm able to crack this exam. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम bookish रहे, सिर्फ bookish नहीं, हमने बहुत सारी novels, बहुत सारी autobiography, biography, web series, movies, हमने सब कुछ देखा, so that कि आपके पास बहुत सारे ideas, बहुत सारे thoughts रहे, कि आप जब कुछ लिखते भी हो ना, तो वहाँ पर एक creative writing आपकी दिखनी चाहिए कि हाँ कुछ आपने extra लिखा है। अब extra के लिए तो आपको कुछ extra sources भी चाहिए, अपने आपको कॉन्स्टेंट प्रिपेयर करना यहाँ पे, क्योंकि जर्नी तो नो डाउट इट्स वेरी स्ट्रगलिंग एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको लगता है यस, आपको सक्सेस मिल गए, बट एक्चुअली में वो कुछ टाइम का होता है। इट्स ऑल अबाउट वो जो जर्नी रहती है ना, वो सब कुछ आपको सिखाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि हमने बहुत कुछ सीखा है इन 2 साल में, और कॉन्स्टेंट अपने आप को यहाँ पे, क्योंकि एक फेलियर रिजल्ट के आप इतना डीमोटिवेट हो जाते हो, उस डीमोटिवेट को, यू नो, आपको एक स्टेप फॉरवर्ड जाना है, तो उस मोटिवेशन फैक्टर लाने के लिए आपको नई चीज़ें इंकल्केट्स करनी पड़ेगी, नए आपके फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपको मोरली, इमोशनली सपोर्ट करो, क्यों, बिकॉज आपके पेरेंट्स तो नो डाउट आपको सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, मोरली करते हैं, बट इमोशनली और आपको जो समझते हैं वो आपके ज़्यादातर दोस्त होते हैं, तो वो आपको कीप मोटिवेटिंग, यू नो, वो हमेशा मोटिवेट करते हैं कि नहीं आपको करना है, वो उनको पता रहता है आप कर पाएंगे, हाँ आपको बनना है तो आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे। तो सेम हैपन्स विद मी ऑल्सो, और बस आप सिलेबस को प्रॉपरली गो थ्रू करें और डेली पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक दिन पढ़ाई की, एक दिन 18 आवर्स पढ़ रहे, एक दिन 8 आवर पढ़ रहे, एक दिन 24 घंटे, नहीं, बी कॉन्स्टेंट, आपको डेली पढ़ना है। आप 6 आवर पढ़ो, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, लेकिन आप डेली पढ़ो एंड प्लीज़ गो थ्रू द सिलेबस। इसीलिए कमीशन भी सिलेबस प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो भी सिलेबस से ही पूछते हैं। सो This is all about me, कि हमने ऐसे ही प्रिपरेशन किया, सिलेबस को माइंड में रख कर प्रिपरेशन की, और बहुत स्मार्ट तरीके से ही पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो आप पेपर को एनालाइज करो, जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप करेंट अफेयर्स को बहुत फोकस करो, स्टैटिक शुड बी प्रिपेयर, बट करेंट आपको, क्योंकि आपका जो मेंस होता है वो लिखने का होता है, तो आपको करेंट बेस अप्रोच होता है वहाँ पे, तो आपको प्रिपेयर तो करना ही है। So best wishes for all the new aspirants and best of luck. Thank you.